सबसे पहले भाई को राम राम। राम राम भैया जी, और मेरे तरफ से आपके सभी व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी के व्यूअर्स को नमस्कार हमारे तरफ से, और मेरे प्रिय भाई को भी राम राम। राम राम जी मोहित भाई को भी। देखो भाई पहले और डीजे बाद में आया। एक मिनट रोकूंगा भैया, आपका चोट जो लगा था सुनने में आया था अभी सच में अब सही है, गाटर लग गया है ना अब सही है। चलिए तो ऐसा है दोस्तों, मेरा सिर में वो लग गया था वरना मैं पहला आ जाता, मेरी कोई नाराजगी नहीं ना किसी से कुछ वो है। तो भाई मेरा सवाल जैसे कि जो भाई से ना उस टाइम करा था कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जिस तरीके से जैसे भी हुआ या जो भी मामला हुआ भैया का ठीक ठाक स्वागत वेलकम। और ऐसा नहीं है कि जो कमेटी भाई के कुछ ऐसा बोल दिया, देखो अगर उस बंदे के एक बोलने के कारण भैया खुद मुँह से बोल लेंगे अपने ऑन द वीडियो, अगर कुछ शब्द बोल रहा है जो भी बोल रहा कि माहौल कैसा है आज के टाइम में कि भैया को दूर दूर तक सब जाने लगे, भैया सच है या गलत है? हाँ सब तो जानने लगे, सच है और सबका प्यार भी है। तो भाइयों ये फर्क भी होता है, अब देखो सुनो ऐसा कुछ गलत नहीं है, ऐसा माहौल ना बनता तो शायद इतने भाई एक साथ ना होते, गलत तो नहीं कह रहा मैं। देखो एंटरटेनमेंट अगर कुछ गलत हो जाए तो सॉरी भाई रहना चाहिए के ना मोटा, और ऐसा ही मेरा ये इंटरव्यू होगा कि आप लोगों का पहले किसी के भी चैनल पर नहीं आया होगा जो भैया से सवाल होगा किस तरीके से प्यार भरे बात होगी। पर भैया इतनी दूर से आए हैं अपना मामला लेके, भाई स्वागत है इनका हर जगह और हर डीजे वाले कर रहे हैं, लेकिन जो स्वागत मान के चलो भाई रस्ते में होगा वो डीजे का चक्कर हो गया मामला, भैया अपने वाला मामला दिखाओगे क्या लेकर आए? अब हमारे वाला भाई रावण है या धड़कन है या जो कोई भी यहाँ का है जिसमें कि भाई ये भी हमारे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभी की थिंकिंग जो मतलब एक होती है अपने उसके अकॉर्डिंग कि मेरे माँ ये भाई डीजे बाहर का कैसा लगेगा, ऐसी बात नहीं, भैया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग देखने को मिल रहा तो सभी को सब सपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए भैया भी यार भाई वो भी बराबर है का जैसा मामला हर पब्लिक डिसाइड की। भैया जी बताओ अपने आप कुछ शुरू से बोला आपकी बहुत अच्छी बात है कि मैं पर जिस तरह से कमेटी हमारे को बुलाने के लिए यहाँ पर मतलब जितना पैसा खर्चे कर रहे हैं, जितना साथ दे रहे हैं, जितना लोग जुड़ रहे हैं, तो मेरा अपना ही काम एक ही है सबसे पहले कि मैं अपना काम को सबसे पहले बेस्ट हूँ। बिल्कुल बढ़िया बात है जी, मामला केड़ा कहना दोस्त, हम तो बार बार कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से सभी को मन में ऐसा है कि वैसा है कि भाई कंपटीशन सच में बढ़िया तरीके तो होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो कुछ कंफ्यूजन था मामला आपस में पार्टियों में हमारे में आपस में, हम भाई है प्रिंस भाई भाई है कल भी थे और आज भी है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हुई थी वहाँ पे कि मामला ऐसा हो गया था, तो कंपटीशन बेफिक्र रहियो, पूरी पब्लिक आई हो, क्राउड पूरा रहेगा, दबा के शानदार ताबा तोड़ होगा। ऐसे नहीं है हम भाई हैं, दो महीने की हमारी कंट्रोवर्सी रहती है, वैसे तो हम भाई भी हैं 10 महीने, सबको एक ही साथ रहना है, पांच एक सप्ताह मतलब एक महीना का मान लीजिए मेला है, उसके बाद सबको एक ही साथ ही रहना है। दोस्तों बहुत जबरदस्त कंपटीशन होगा, ऐसी बात नहीं है, भाई रावण ने भी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है, अनुज भाई ने भी कहना वो क्या 34-35 का 21 इंची वगैरह कितना अच्छे तरीके से लगा रहा, 24 इंची है वो हमें पता है, हम बता देंगे ना 24 इंची है, वो दो कॉलम लेने गए थे 6 मिली के चलो जो भी है पूछ लीजिए, वो 24 इंची कॉलम है जो आगे ट्रैक्टर पर लेंगे। अच्छा जो कंपनी ने दिया उन्हें ऑटो ट्यून ने, अब बढ़िया मामला कैडर रहेगा इस बार, मतलब ऐसा है ऐसा कुछ नहीं है, ये इंटरव्यू कोई गलत नहीं होने वाला, ये अमर के साथ भी सुबह इस वीडियो में अमर का कहां तक जिक्र है मेरे भाई, अगर मैं अमर के नहीं भाई अगर मैं अमर के पास जाता या किसी और होता तो सवाल होता उसका, तो उसका मैं कोई वीडियो मैच में जिक्र ही नहीं कर रहा, तो भाई अब हम तो यही चाहेंगे की कैडा वाला करेंगे भाई, बिल्कुल सबसे पहले सारा यूट्यूबर को ये कंफ्यूजन भैया थोड़ा सा बोलने दो, भैया बोलने दो, ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, मतलब आप एज ए यूट्यूबर हैं या कोई पार्टी का समर्थक, दोनों में से आप कौन सा? ये सवाल का जवाब भी दूंगा, देखो जी यूट्यूबर तो वो तो मामला हो जो दूसरा नहीं, नहीं ऑप्शन आपके पास दो ही है, या आप यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं एज ए यूट्यूबर, किसी पार्टी को मैं यूट्यूबर से पहले तो मैं दोस्त हूँ, नहीं नहीं ये ऑप्शन आपके पास दोस्त मतलब पार्टी ये जगह ये देखिए देखिए 14,000 टीम मेंबर नहीं है आपका, 14,000 आपका एक मिनट भाई भाई 14,000 आपका कोई चैनल में सब्सक्राइब जो है कोई टीम मेंबर अलग अलग है
सब पूरा भारत देश से आपको देख रहे हैं, तो आप वो पहले 14,000 आदमी के लिए हैं या आप वो कमेटी के लिए? मैं आपके बात बिल्कुल सर मानते हैं, दो ही ऑप्शन है, 14,000 आदमी के लिए है पहले है सुनो हाँ। और दूसरी बात देख कितने भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे अपनी तरफ तक, कोई भी वीडियो आपके यहाँ से लेकर मेरठ तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनेगी कि एक तरफा बना दी जाए या कुछ ऐसा मामला। इस बार मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद या यहाँ आने से पहले भी, मतलब शुरू में जो भी हुआ है नहीं हुआ है वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन तब से भैया का कॉल में भी बात होता है, भैया ने सपोर्ट पहले भी बोला था और अभी भी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाला है जिसके चलते मेरे साथ विवादित हो। मतलब ये जो अपने तरफ से कुछ बोलते थे अभी तक नहीं बोले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भैया जो आपको चाहने वाले हैं वो हमको भी चाहने वाले हैं, जो हमको चाहने वाले हैं वो आपको भी चाहने वाले हैं। तो कम से कम आप एक तरफा एक बार अपना ऑडियंस जो जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर उनके लिए भी सम्मान रखिएगा। और ये उसके लिए मान कर जाएगा कि अच्छे से वीडियो जाएगी आप मान करेगा और अच्छे तरीके से चेहरे के तरीके से होगा। मैं रिक्स मतलब क्या बोलते हैं देख रहे आपका चैनल भी देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ने पहले से काफी बदलाव किए हैं, हो जाता है किसी समय ऐसा माहौल बन जाता है तो ऐसा वीडियो छूट जाता है, लेकिन अभी चीज बता देना चाहता हूँ कि जब से आए हैं तब बात भी हुआ है, तो सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया का चैनल और भी जितना जन ये मेला को कवर कर रहे हैं आप उसमें सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका प्यार ही आप लोग किसी इंसान को बदल सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में जो आप उल्टा फुलटा चाहे मेरे बारे में भी लिखता है, ऐसा बात नहीं है, मेरे बारे में भी लिखता है, सारे डीजे के बारे में भी लिखते हैं, वो चीज़ से आप लोग ये प्यार से ही बदल सकते हैं, बाकी और किसी चीज़ से बदल नहीं सकते। किसी को आप गाली देके किसी का भावनाओं को आप नहीं बदल सकते, तो कमेंट में आप प्यारा प्यारा कमेंट भी दीजिए, आपका जो ज़रूरत है वो आप डालिए कि एक डीजे में ये होना चाहिए, ताकि हम जैसे डीजे साउंड सिस्टम वाला भी उस चीज़ के लिए आगे बदलाव देंगे कि भाई हमको क्या बदलाव अपना सिस्टम में करना चाहिए, पार्टी को कैसे समझ में आएगा और एक यूट्यूबर को भी समझ में आएगा कि भाई पब्लिक मेरा क्या देखना चाह रहा है और ये उनके हिसाब से ही वीडियो बनाई है। सही है, बिल्कुल सही भैया, आपने सही बात कही, ऐसी बात नहीं। इंटरव्यू लेने आ गए तुम कहीं का? कैसा इंटरव्यू लेने आ गए? अरे तो भाई बंदी वाला लेना हमें, तो भाई बंदी वाला मामला, बंडा गुस्त लाया करो, अरे ठंडे की भाई बात सुन ले, कौन सा वीडियो चल रही तुमने ऐसी बात कर दी, मैं ठंडे के चक्कर में तो मां बच रहा, तुमने फोन कितने करे कोई बात नहीं, चलो जो भी मामला, अब कुछ बात हो तो फोन दो भाई, कमेंट नहीं गलत कमेंट कोई नहीं, हम भाई कावड़ यात्रा खत्म होने के बाद में हम सब दो दिन भैया रहेंगे मेरठ में ही और सभी कमेटी मेरी नहीं, मेरा भाई रवि चौधरी भी दोस्त भी और सब मिल के एक जगह, देख हम सब भाई आपस में बातें भी करते रहे भाई, लेकिन कंपटीशन की फिर भी कहूंगा एक अच्छे तरीके से बतौड़, जिसकी इच्छा मेरा ये भाई भी रखता है, जिसकी इच्छा मेरा भाई भी रखता है, भाई है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसी बात, तो जो जो कोई भी हो सब आओ मैं चलो पूरे दबा का कंपटीशन में, गलत कमेंट बाजी ना छेड़ो, हमने कहा है यही कहना चाहूंगा पर शंकर भगवान की। और दोस्त एक बात और इस वीडियो में छोटी सी, वो तो सबको मत करो, अरे मारो जाओगे, वो तो सबको पता किसका मामला कहाँ केड़ा, लेकिन सबको पता मामला कहाँ केड़ा, क्या मामला चल रहा, भैया का मामला केड़ा है इस वीडियो में भी कह रहे, ऐसी कोई बात नहीं, भैया के साउंड उसका सॉन्ग का जो मतलब वो है जो बजट है बोले भाई उसके बहुत केड़ा सॉन्ग बजता है बहुत बढ़िया, तो भाई प्यार भरी वीडियो या कोई भाई समय आकर बक छोड़ दिया गलत कमेंटबाजी ना करियो, तुम्हारा भाई तो प्यार माया ऐसी कुछ वो नहीं है, मुझे शंकर भगवान की जय, भाई चारा जिंदाबाद है भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मोहित कालियान और मतलब इंटरव्यू हुआ था तो उसका वीडियो है, और देखो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, बहुत ही ज़्यादा लोग हो गए हैं।